वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए किसान अपनी जमीन का सही और उचित मुआवजा न मिलने के चलते लगातार अटकलें पैदा कर रहे हैं और अधिग्रहण न होने देने की जिला प्रशासन और राज्य सरकारों को हिदायत दे रहे थे, लेकिन अब 72% किसानों ने अपनी जमीन देने की सहमति जताई है। सहमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने भूमि अर्जन पुनर्वासन और उचित प्राधिकार मुआवजा अधिनियम की अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं डीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रभावित किसानों को उचित लाभ और मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 1334 हेक्टेयर जमीन प्राप्त होनी है, जिसमें 1239 हेक्टेयर जमीन किसानों की जमीन है। लैंड एक्विजिशन लॉ 2013 के तहत एक्वायर होनी है। उसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण 11 एकड़ नोटिफिकेशन होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का इंटेंट नोटिफाई होता है कि पब्लिक पर्पज के लिए इस जमीन की आवश्यकता। तो जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को बकायदा पूरी जानकारी भेजी है। किसानों ने जमीन देने की अपनी सहमति जता दी है। तमाम मसले इस पर बने हुए थे, किसानों की तरफ से जताने वाली जो बात होती है कि जमीन देना है या नहीं देना, उस पर कई तरह की अड़चनें आ रही थी, लेकिन अब अड़चनें खत्म होती नजर आ रही है। किसानों की तरफ से सहमति जता दी गई है कि उनकी जमीन जेवर एयरपोर्ट के लिए दी जानी चाहिए। किसानों ने इसमें सहमति जताई है। फिलहाल इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन आप लगातार देखते रहिए इंडिया वॉइस।